हेलो दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक की एक और नई एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 वीकली ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में, जो स्टॉक्स हमें आगे अच्छी मोमेंट दे सकते हैं, अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। जो यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेशन है, यहाँ से 30 से 40% का रिटर्न ये स्टॉक्स हमें बना के दे सकते हैं। तो ये स्टॉक्स में आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो में जो भी आप लोग को एनालिसिस अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बहुत दिन से हमें यहाँ पे व्यूज जो मिल रहे हैं बहुत ही कम मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मुझे इस वीडियो में, इस एनालिसिस में कुछ यहाँ पे जो चेंज करना है वो कर सकूं। तो यहाँ पे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मुझे मोटिवेट जरूर करें ताकि मैं भी यहाँ पे बहुत सारा टाइम यहाँ पे देता हूँ और वीडियो को बनाने में और एनालिसिस करने में। तो बहुत सारे चार्ट भी मैं यहाँ पे रीड करने के बाद में आप लोगों के साथ ये चार्ट ऑफ द वीक के स्टॉक्स यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चार्ट ऑफ द वीक का फर्स्ट वीक स्टॉक की ओर बढ़े। उससे पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखेंगे, लास्ट वीक में निफ्टी ने क्या किया और इस वीक में आगे क्या हो सकता है ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से मकसद से बनाए गए, इसमें मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग सेलिंग करने की। जो भी खरीदारी पीपल ही करते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही करें और खुद की स्टडी जरूर करें। तो चलिए यहाँ पे आज का हम जो निफ्टी का व्यू हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। निफ्टी में देखिए, जो इलेक्शन का रिजल्ट वाला जो पैनल बना था यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो विक्स बनी है और यहाँ पे बॉडी बहुत, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, बहुत ही सारे बायर ने यहाँ पे इस मूवमेंट को ऊपर ले लिया है, लेकिन इसको नीचे आया था मुझे, लेकिन यहाँ से एक अच्छी बाइंग यहाँ पे आई है और ये इसने क्लोजिंग ऊपर की थी। तो नेक्स्ट वीक में हमने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो और भी न्यू हाई। तो इस वीक में हमने 4 बार हम मतलब एक जो है न्यू हाई बनाया, लाइफ टाइम हाई। तो आगे भी हम देखिए, अभी इस कैंडल को थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, तो एक डोजी टाइप कैंडल बने, इन डिसीजन कैंडल, यानी कि यहाँ पे देखिए बॉडी छोटी है और विक्स बड़ी है, तो यहाँ पे बायर से सेलर दोनों यहाँ पे एक्टिव है। तो जिस भी साइड में ऊपर की तरफ निकलेगा तो और भी न्यू हाई देखने को मिल सकता है, जो कि लाइफ टाइम हाई इसने लगाया था इस वीक में, 23,667 का कुछ हाई लगाया था। तो इसके ऊपर निकलता तो भी और भी न्यू हाई देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे इसका जो लो पॉइंट है, इसने जो 23,400 का लेवल अगर टूटता है तो नेक्स्ट वीक हम यहाँ पे 23,200 के लेवल तक जा सकते हैं, जो कि इस वीक का कैंडल, आप वीक कैंडल का आप वीक देख रहे हो यहाँ तक, तो 23,200 के लेवल तक जा सकते हैं। तो ये रेंज इस वीक में निफ्टी रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा चार्ट ऑफ द वीक का फर्स्ट जो स्टॉक्स है वो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ये स्टॉक्स में आप देखें तो बायर प्रॉफ साइंस लिमिटेड, यहाँ पे इस स्टॉक में आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा इसको आप पीछे लेके चलता हूँ। इस स्टॉक में देखिए, ये यहाँ पे भी इस स्टॉक में कम से कम 5 से 4 साल का रेंज बना था और इस रेंज को इसने ब्रेक किया था। वो ब्रेक करने के बाद में यहाँ से कितनी रैली आई है आप देखेंगे, जो यहाँ पे 4,600 से ये स्टॉक कहाँ तक गया था, 6,300, यानी कि 2,000 पॉइंट की मूव जब भी कंसोलिडेशन करता है ये स्टॉक, यहाँ पे आप देखेंगे 1 मिनट, जब भी ये स्टॉक से यहाँ पे रेंज बनाता है तो रेंज के बाद में जब भी ब्रेकआउट आता है तो ऊपर की तरफ यहाँ पे 2,000 पॉइंट की मूवमेंट दिखाता है। अब यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक रेंज सी बनी हुई है और रेंज के बाद में एक ब्रेकआउट यहाँ पे आप देखेंगे तो देखने को मिल रहा है इस में। तो एक बार इसको फिर से रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पे रेंज बनी है। तो ये रेंज कितने साल की है, यहाँ पे 4 साल का एक ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे देखिए ये कंसोलिडेशन हुआ और यहाँ पे स्टॉक और फिर से रिजेक्शन देखने को मिला, ये नीचे आया फिर से एक बार, यहाँ पे 2021 में आया फिर से यहाँ पे ये स्टॉक रिजेक्ट हुआ और फिर नीचे आया, फिर ये 2024 में मार्च में आया था और फिर से यहाँ पे एक सेलिंग आया और फिर से डाउन पड़ गई।
लेकिन इस बार इसने एक अच्छे नीचे से ऊपर आया तो बड़ी बड़ी कैंडल बनी, और यहाँ पे वॉल्यूम आप देखेंगे तो शानदार वॉल्यूम इसमें देखने को मिला। और इस वीक में इसने ऊपर क्लोजिंग डेली में यहाँ पे सस्टेन हुआ है। तो अगर ये स्टॉक्स ऑलमोस्ट इस स्टॉक में यहाँ पे देखें तो हम लोग यहाँ पे जो इसका लास्ट वीक में इसने क्लोजिंग दी वो कितने परसेंट की यहाँ पे बर्फ देखने को मिली है, तो वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते। कम से कम 8 से 9% की यहाँ पे इस कैंडल ने बनाई है, तो इसको थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है। अगर ये थोड़ा सा वीक होता है तो फिर हमें एक बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस स्टॉक में। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट और वॉच करना है। अगर इसके ऊपर थोड़े रिस्क ले सकते हो आप तो यहाँ पे 50% क्वांटिटी आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो इस स्टॉक में, बायर प्रॉफ साइंस लिमिटेड में। और इसका जो टारगेट होगा, टारगेट मुझे इस स्टॉक में यहाँ पे बड़े टारगेट दिख रहे हैं जो कि 7,000 के लेवल यहाँ पे आप देखेंगे, जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो कि इस रेंज के ऊपर आप यहाँ पे देखिए रेंज यहाँ पे कम से कम 2,000 पॉइंट ऊपर की तरफ आप टारगेट लेके चल सकते हो, जो कि 8,600 के लेवल आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो 8,000 साढ़े 8,000 का टारगेट के लिए आप चल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस लगेगा हमारा इस कंडीशन में वो लगेगा 6,100, यानी कि 6,100 का हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। और यहाँ पे 8,500 का टारगेट के लिए आप इस स्टॉक में बने रह सकते हो। और काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे 4 साल का रेंज को इसलिए ब्रेकआउट किया इस वीक में, तो इसके ऊपर आप जरूर नजर बनाए रखें। नेक्स्ट जो अगला स्टॉक है वो है हमारे लिए यहाँ पे रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड। यहाँ पे इस स्टॉक में देखेंगे तो ये स्टॉक में भी काफी रैली हो चुकी है और कंटिन्यूशन पैटर्न बना हुआ है। और ये स्टॉक में देखिए 2021 में स्टॉक का भाव क्या था, 245 रुपये। 245 से स्टॉक्स ने यहाँ पे यानी 5.68 तक ये स्टॉक्स ने रिटर्न दिया है, यानी 6 गुना स्टॉक्स हमारा हुआ है। तो यहाँ से एक कंटिन्यूशन पैटर्न यहाँ पे बॉक्स पैटर्न हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न आप कह सकते हैं। तो इसमें जो 2023 अगस्त से ये स्टॉक लगभग 1 साल से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसका थोड़ा सा मैं आपको वीकली से मंथली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ और इसका फिर चार्ट देखते हैं। तो मंथली में आप देखेंगे तो स्टॉक कंटिन्यू अपने ट्रेंड में और यहाँ पे एक रेंज बनाई है। नीचे की तरफ ये स्टॉक 600 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है, गया नीचे जरूर लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर हो रहा है। तो यहाँ से एक अच्छे बायर यहाँ पे कंट्रोल में ये स्टॉक्स है। तो इसने इस वीक में वॉल्यूम के साथ में अच्छे वॉल्यूम के साथ में क्लोजिंग भी दिया और मंथली टाइम फ्रेम में भी दिया और वीकली में भी दिया। तो हम फिर से एक बार वीकली में जाएंगे और एक बार ये रिटेस्ट होता है अगर यहाँ पे 812 के लेवल के आसपास अगर ये आता है तो फिर से हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। अदरवाइज यहाँ पे रिस्क ले सकते हो तो आप 900 के ऊपर निकलता है बाइंग कर सकते हो। जो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा वो 710 का बनेगा। तो टारगेट का यहाँ पे बनेगा 1,100 का लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट 1 से 3 मंथ के बीच में टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, जिसके स्टॉक के ऊपर आप नजर जरूर बनाए जा सकते हैं। दोस्तों लास्ट वीक में मैंने जो स्टॉक्स आप लोग के साथ डिस्कस किया था वो स्टॉक्स में थोड़ा जेके पावर इस स्टॉक में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और इस स्टॉक में मैंने बताया कि जो 500 के ऊपर निकलेगा तो हम बाइंग करेंगे। तो इस स्टॉक में भी अच्छी रैली हुई है और तो जो हाई लगाया था 526 के आसपास कुछ हाई लगा था। तो बने रह सकते हो, स्टॉक लॉस को ट्रेल करिए और इस स्टॉक को जरूर अपनी रडार में रखिए और राइड करिए इस स्टॉक में रैली को। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।